आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि हम आने वाले समय में जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्हें आरक्षण देंगे, वो रिजर्वेशन निकालने की बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी। और हमारे मोदी जी कहते हैं जब नया पार्लियामेंट में जाते हैं तो सर पे संविधान लेके पार्लियामेंट में जाते हैं, और संविधान को अगर खत्म करने की अगर कोई बात करता है तो वो कांग्रेस और लालू प्रसाद जी यादव जैसे लोग करते हैं। इनके जो सपने हैं राहुल गांधी को पीएम बनाना है, इनके सपने हैं कि लालू प्रसाद यादव को पीएम बनाना है, इनके सपने हैं कि ममता बनर्जी को बनाना है, और देश के लोगों का सपना है कि अब की बार 400 पार। आज अगर लालू प्रसाद जी का आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि हम आने वाले समय में जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्हें आरक्षण देंगे, वो रिजर्वेशन निकालने की बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी। और हमारे मोदी जी कहते हैं जब नया पार्लियामेंट में जाते हैं तो सर पे संविधान लेके पार्लियामेंट में जाते हैं, तो वो संविधान को बचाने के लिए इस देश में है, और संविधान को अगर खत्म करने की अगर कोई बात करता है तो वो कांग्रेस और लालू प्रसाद जी यादव जैसे लोग करते हैं। क्योंकि एससी एसटी का सम्मान करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसी को बताने की जरूरत नहीं, देश की प्रेसिडेंट आज जो राष्ट्रपति बनाई है वो ट्राइबल क्षेत्र से बिलोंग करने वाली, ट्राइबल आदिवासी परिवार से बिलोंग करने वाली हमारी प्रेसिडेंट है। तो मुझे लगता है उन्होंने सम्मान बढ़ाया है एससी और एसटी का, और इस देश के सम्मान बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और संविधान खत्म करने का काम अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव जैसे लोग इस देश में संविधान और एससी एसटी का आरक्षण खत्म करने की बातें कर रहे हैं। और कांग्रेस में बोल रहे हैं कि लाइक हिंदू गॉड्स को लाइक दे आर यूजिंग एज अ वोटर बैंक, सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? देखिए, आई विल टेल यू ओनली वन थिंग, वी बिलीव इन गॉड, हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है। तो कांग्रेस पार्टी को कभी भी भगवानों के प्रति श्रद्धा नहीं रही है, तो उन्हें ये नहीं पता है कि भगवान के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग कैसे होते हैं। उनको ये लगता है कि नाम लेना और श्रद्धा रखना ये राजनीति है। तो इनके इनके विचारों में हमने पिछले 75 वर्षों में देखा, जिस राम भगवान को हम पूरे देश के लोग मानते हैं, पूरे विश्व के लोग मानते हैं, उसी मंदिर का विरोध इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 27 वकील लगा के किए। तो मुझे लगता है यहाँ से स्पष्ट होता है हम तो भगवानों में श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, अगर उनको राजनीति करनी है इससे लेकर तो वो राजनीति कर सकते हैं। मैम, और कांग्रेस बोल रहे हैं कि मोदी का 400 बार वी फिर भी अनसक्सेसफुल ड्रीम, सो व्हाट डू यू से रिगार्डिंग दैट? सी, इट इज अ ड्रीम ऑफ दिस पीपल हु लिव्स इन दिस कंट्री, इट इज नॉट मोदी जी ओनली मोदी जी ड्रीम, इट इज अ ड्रीम who respect this country, it is a dream who belongs to this country, this is dream belongs to them, not to Modi ji. Modi ji ne sirf rakha hai ki ab ki baar 400 paar lakar desh ko 5ve star se 3re star pe lana hai, karke ab ki baar 400 paar chahiye, desh ke yuvakon ko rozgar dena hai, aane wale samay mein unke berozgari hatani hai, iske liye 400 paar chahiye। और इनके जो सपने हैं राहुल गांधी को पीएम बनाना है, इनके सपने हैं कि लालू प्रसाद यादव को पीएम बनाना है, इनके सपने हैं कि ममता बनर्जी को बनाना है, और देश के लोगों का सपना है कि अब की बार 400 पार, 400 पार के बाद और इस फिर एक बार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये सपना देश के लोगों का है।